चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिकू नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर एंड ए प्लस बी रूट थ्री बराबर में है वन अपॉन में टू माइनस का रूट थ्री, और ए और बी का रेशियो निकालना है, यानी कि मुझे किस तरह से ए और बी की अगर वैल्यू मिल जाए तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ आसानी से, यानी ए और बी का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस में बी और आप पर रूट थ्री दे रखा है, बराबर में ये मुझे वन अपॉन में क्या दे रखा है, टू माइनस का रूट थ्री दे रखा है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका प्लस का निशान चेंज करके इसको ऊपर लिख लेंगे एज इट इज, टू प्लस का आपका आपका रूट थ्री, और क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और बीच में लगा देंगे आपका क्या, इसमें आपका आपका माइनस, तो दो का स्क्वायर चार होगा और ये कितना होगा तीन, यानी कि एक आएगा। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास टू आ गई और बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी वन आ जाएगी, तो ए इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका टू हो जाएगा और बी रूट थ्री बराबर में हो जाएगा आपका रूट थ्री। तो ये इसे कंपेयर करेंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास वन आ जाएगी, यानी कि आंसर जो आएगा मेरे पास में टू रेशो वन आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं कि डायरेक्ट रैशनलाइज कैसे किया, ये हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसे नहीं पता हो। देखिए, वन अपॉन में टू माइनस का आपका रूट थ्री होगा, तो इसको क्या करेंगे आप, आपका टू प्लस का आपका रूट थ्री से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, टू प्लस का आपका रूट थ्री से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू प्लस का आपका रूट थ्री हो जाएगा ये वैल्यू। तो देखिए, ये ए माइनस का बी है और ये ए प्लस का बी है, अगर मेरे पास ए माइनस का बी होता है और मल्टीप्लाई में ए प्लस का बी होता है तो मैं इसे लिखता हूँ ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे पास में चार, और बी का स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री, यानी कि माइनस का थ्री, तो ये कितना हो जाएगा टू प्लस का आपका रूट थ्री और बाय में वन हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, मैं इसको लिखता हूँ ए प्लस का बी और रूट थ्री बराबर में हो जाएगा टू प्लस का आपका रूट थ्री। तो देखिए, जब भी हम वैल्यू कंपेयर करते हैं तो जो रूट वाली है रूट के साथ करते हैं, बिना रूट वाली बिना रूट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ए जो होगा मेरा टू हो जाएगा और बी बी अंडर रूट थ्री हो जाएगा, वो अंडर रूट थ्री हो जाएगा, तो बी अंडर रूट थ्री बराबर में क्या होगा अंडर रूट थ्री के साथ वैल्यू होगा, ये कट जाएगा तो बी की वैल्यू यहाँ से वन आ जाएगी, तो मेरा जो आंसर आएगा टू रेशो वन आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।